रामचंद्र तोरी जय करी न जय जय रख श्री भगवान जय गंगा रामचंद्र तोरी जय करी जय जय रख श्री भगवान जय गंगा मोर वासुदेव बेलियन मा रहे लोहा कटोरी में धांधे राम जय गंगा वासुदेव बेलियन मा रहे लोहा कटोरी में धांधे राम जय गंगा मोर नौ से चौकी पहरा लगे लगे पहाड़ वर कंसा के जय गंगा नौ से चौकी जय हो जय हो कैसे रहते यारू अब तो टोरी की तबीयत कैसे है आपकी कृपा से बने मालिक हाँ सुन दो चार दिन बाद एक गाँव आओ डॉक्टर ला दिखा देवे पैसा कौड़ी की जरूरत हो तो ले जावे हाँ मालिक हाँ जा हाँ जा ले मालिक अरे विक्रम कैसे आज कैसे आ रहे एक आध घंटा वह ट्रैक्टर ले घू कह के आ रहे हैं दाऊ जी अरे ट्रैक्टर हाँ तो अभी धान मिजा था वह यहाँ के हर मिजा जा ही तान ले जावे बन ही बन जा ही हाँ अच्छा दाऊ जी यार दाहन चाय लेके बर कह रहे हो लेके समुद्रा तुसी तुसी दाई तो जान जल्दी हमरा क्या वो अभी लेके थे बैठनी ये बात तो है उमराव सिंह के विषय में आए दिन कहीं ना कहीं मऊ और सुनत रहता हूँ वो जोन करत है वो ठीक नहीं है वो सोचते है कि पैसा और ताकत के आगू इंसानियत के कोनो कदरे नहीं है ऐसे कैसे चली रे भाई एक काम करथन एक दिन हम सब मिलके राजधानी चलथन ये समस्या के निदान खातिर कुछ बातचीत करथन ठीक है अच्छा दाऊ जी आज हम सब चलथन और फिर जौन दिन चलना हो ही वो दिन आप खबर भेजवाओ ठीक है चलो चलो भैया अच्छा दाऊ जी नमस्कार नमस्कार अरे अंदोली जी दाऊ जी अरे राकेश सर कहाँ है भेज तो रे हाँ दाऊ जी ये आज निकले हैं टूरी सवर के रे एला लाज नहीं लागे आज निकले हैं टूरी सवर के रे एला लाज नहीं लागे आज निकले हैं टूरी सवर के रे एला लाज नहीं लागे मनमा बरछी कटारी नजर मारे एला लाज नहीं लागे जाने का घर मुड़ मकाज गिरही अरे गिरही भैया अरे जाने का घर मुड़ मकाज गिरही 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 नहीं जावे कोनो उबर के लाज नहीं लागे आज निकले हैं टूरी सबर के रे लाज नहीं लागे मोहनी रूपे मजादू अंग अंग मा नखराला भर के हाय अंग अंग मा नखराला भर के हाय हाय अंग अंग मा नखराला भर के हर पाचे न कोनो जी पानी के बूढ़े पर ले वो जाही जी करके हाय हाय पर ले वो जाही जी करके हाय हाय पर ले वो जाही जी करके टूरी सवर के रे लाज नहीं लागे
पारी उद्यो तीर तीर मां कुबा कारी पूरी मां सवारी तीन दिन के शोभा भागे पूरी मुनु काए देखे ओधा वधा कतको दीवाना पीरित मा बैया हो गे रे भर जवानी हाय हाय हो गे रे भर जवानी हाय हाय हो गे रे भर जवानी आओ देख ले ओए टूरी माया मजाऊ नला मांगे वो कभू नहीं पानी हाय हाय मांगे वो कभू नहीं पानी हाय हाय मांगे वो कभू नहीं पानी सिंह बोल रहा हूँ बोलो काम हुआ कि नहीं देखो तुम जिस काम के लिए गए हो वो काम करके ही लौटो काम दाम दंड पे जैसे भी हो मुझे वो तीनों पुल का ठेका चाहिए समझे मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता बस प्रणाम भाई जी कैसा रहा तुम्हारा छत्तीसगढ़ भ्रमण ठीक ही रहा भाई जी ठीक ही रहा मतलब भाई जी आप तो कहत रहिन कि छत्तीसगढ़ में दौलत का भंडार ही भंडार है पर ये ससुरा भंडार तो हमका कहीं नहीं दिखत रहा दिखेगा भी कैसे बेवकूफ हो तुम इन छत्तीसगढ़ियों की तरह ये भी कहां देख पाते हैं दरअसल जिस जगह ये रहते हैं ना वहां दौलत की जन्नत है जन्नत जिन पगडंडियों पर ये नंगे पांव रेंगते हैं ना उन्हें ये भी नहीं मालूम कि उसके नीचे हीरे मोतियों का खलीचा बिछा हुआ है जंगल पहाड़ नदी नाले लांग जाते हैं ये लोग अजनबियों की तरह पर इसमें छिपे दौलत के भंडार को कभी जानने की कोशिश ही नहीं करते कितने बदनसीब हैं ये लोग जो अमरता की बस्ती में रहकर भी जिंदगी की दुआ मांगते फिरते हैं चारदा बाबू इनकी इस जमीन पर इतनी दौलत है अगर ये चाहे तो अपना एक मुकम्मल आकाश बना सकते हैं पर इसके लिए चाहिए शातिर दिमाग और चोखी नजर बिल्कुल आप ही की तरह ना भाई जी ठीक समझे शारदा बाबू जब मैं पहली बार इस छत्तीसगढ़ में आया था ना तो दो वक्त की रोटी भी मुझे बड़ी मुश्किल से मिलती थी मेरी कुल जमा पूंजी एक लोटा और एक कंबल के सिवाय कुछ नहीं पर एक पूंजी मेरे पास थी जो मुझे मेरे पूर्वजों ने दी थी और वो थी शातिर दिमाग और चोखी नजर और इसी शातिर दिमाग और चोखी नजर की बदौलत मैं आज इस मुकाम पर हूँ शारदा बाबू मैं अपनी इस कामयाबी को आसमान की उस ऊंचाइयों तक ले जाना चाहता हूँ जहां से मैं चांद और तारों को अपने इन्हीं हाथों से छू सको समझे बहुत ही नेक विचार है भाई जी बस ये गरीब का कछु ख्याल रहे हम आपकी सेवा में सर्वस लगा दूंगा भाई जी बस तो लग जाओ सेवा में शारदा बाबू अब हमें चलनी है अपनी चाल इनके भोले और सीधेपन का फायदा उठाकर जितना निचोड़ सकते हैं निचोड़ लेना है दीमक की तरह इस जमीन के भीतर घुसकर इसे खोखली कर देना है और चढ़ जानी है इसकी सारी मिठास समझ गए समझ गए भाई जी समझ गए बढ़िया
ज्यादा चुल झंचिल्ला नहीं तो चिकला गिल्ला हो जाई। सरोज एक बात बताओ, चिकला में सनाग इतने बड़े गजब पर दिखा था ईमान से? अरे हाँ यार, सिरतोन में सरोज बहुत खूबसूरत दिखा थे। जानता सरोज तो काकर सही दिखा था तेनला। काकर सही बतावो? हाँ। डबरा में पगुरावत बैठे भाई जी सही। तरिया में लगा लगा के नहावे। अरे सज ले समर ले उज्जर होले। अरे हमार पीछा छोड़ दाई जा कोनो ऊपर गाज गिरावे। कर भागे वो दाई मुर जोड़ी गवागे वो दाई तेरे रहते बोला कदे सुख दे तेरे जोड़ी मुर पाँव में काटा नहीं गलन देते ये दी जाओ वो दी संगे संग में जात जोड़ी हरियाणा भरी के ती कार में गलो मर सकते जात रे ते कोन रानी दुखाई के राखी फुट गए बोतरा। का हो गया भाई दी, का हो गया? मर जोड़ी गवा के कचरा। आई जोड़ी गवा के करम फाग के भगवान, कैसन जोड़ी गवा दी से भगवान, कैसे हो गए बोतरा? रात की दी से हाँ पर फजर देखे तो कौन जानी कतरा आगी थे तारिया डबरी कोठा ढेकी कुरियल घालो खोजे बकरी बारिल सब खोज डाले बहनी नहीं दिखी जन संसार में आए देख दिन जाते बहनी ले चुप रहा बहनी ले चुप रहा। अरे चुप रहो बहुत दुख लगे गलत तो हाँ बहनी कभू मरा काटा था कि नहीं काटा सी कचरा मुला पोपरा नहीं थी बंदी ये जाती है पाछू पाछू संगे संग मरा तरिया डबरी हाट बाजार जाओ मई के जाओ तब मोर संग मेरा है वो। कैसे कर पे बहनी कैसे कर पे वो तो रोज के दिन के साथ रीत वो रोज के दिन के संग रीत बहनी। कहा हो गयो तू मन काबर रोवा तो गली में बाबू फिरंगी ये बोतरा जोड़ी गवा के बाबू आकर एका जोड़ी वो हाँ। अरे एका जोड़ी ला तो पान ठेला में छोड़ के आता अभी वो पान ठेला में आओ दोनों जन संग्रह पान खायन दोनों जन पान खाया आओ कसिया बोतरा देखते जोड़ी बात लग कर था बहनी वो जोड़ी नहीं कहो कचरा मोरवती चप्पल के जोड़ी के जोड़ी पर मोहती ना सुनो मैं पानी भरा अरे सरोज ते अभी ले नहीं गया नहीं फिरंगी वो कहे ना कि बस में अबड़ भीड़ रहीस ना देखर से थी नहीं गए दूसरे बस के इंतजार कर रहा था। अच्छा वो दे तो वही देते तो और बस आवत है का मतलब मोर मतलब है राकेश आवत है ते ओकर संग निकल जाना कॉलेज वो हम ओला लेगी कथस काबा नहीं लेगी हमेशा तू जाते छस फिर आज काबा नहीं लेगी रही जा मैं ओला रोकत हूं राकेश रुक 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 का है कॉलेज जावत हस ना नहीं चेरी चाल जाता कैसे हुद्रेसन गोठा था यार ए मैं हुद्रा खोज के का बात है कॉलेज जाता तेला देखा था ना ऊपर ले पूछा था तेहा अच्छा तै कॉलेज नहीं जाता मैं आज थोड़ी देरी में हूं तै सरोज ले जाना अपन संग अच्छा रोज रोज इला कॉलेज ले जाके मैं ठेका ले रखा हूं का नहीं नहीं यार बस में आत रही अरे ले जाना यार बस में आज भीड़ रही से तेकर से नहीं जा पाई इस बपरी हां आज नहीं ये बपरी बस में रोजे भीड़ हो जाते अरे मैं सब जानता हूँ ए का जानतस हां देख ज्यादा भाव झन खा तोर फटफटी में बैठे पर मैं नहीं मरत हूं समझे वाह चोरी ऊपर ले सीना चोरी चल चल बैठ जा का नाम लेवे ऐसे चलो रोज रोज के झंझट ले छुटकारा मिलिस ए राकेश ले जाना यार फिरंगी भैया तोला सिफारिश करके कोनो जरूरत नहीं समझे मुहर होदा बादी में तो मैं मर जाता हूं गौकिन अच्छा फिरंगी भैया Thank you.
हाय रानी, अब जल्दी में हंसका। डॉलर रोज रोज हीरो होंडा में बैठे में हंसकट नहीं लगेगा। अरे कभी हमरो संग भी बैठ। यहाँ का टुकुर देखा था, चल भीतरी। तुमने क्या देखा था? जावे अरे ला यार छोटू पान खिला। अरे शंभू तय कते डाल लिया, थाली डाल लिया था भैया। राकेश दिखिस का दिखिसे आज तो दिखा था वो। का मतलब? हमारे कॉलेज के जी छुट्टा टूरा नहीं है गुड्डू। अच्छा अच्छा अच्छा, कहाँ होगे? आज ओला और वो कर दो तीन जन और लंगुरुआ मन के जम के धुलाई हो है। अच्छा आज राकेश सरो मन ला कुदा कुदा अक्षर है भयंकर बत्ती दे है। चलो अच्छा हो, एक देख दिन तो चोरा साले मन ला मार खाना चली से। और हाँ फिरंगी भैया यादव सर कहा से कि प्रिंसिपल सर कुछ मीटिंग रखे और वहाँ सब के रहना जरूरी है, तो कि यादव सर से मिल लेते हो तो। हाँ मैं कॉलेज जाते छाऊ मिल ले हूँ। प्रिय छात्रों, आप सब लोगों को यहाँ एक आवश्यक सूचना देने के लिए एकत्रित किया गया है। सूचना यह है कि कल कौन सा कॉलेज? मेवो कॉलेज। हाँ हाँ, मेवो कॉलेज रायपुर से लगभग एक सप्ताह के लिए कुछ छात्र यहाँ पधार रहे हैं। लगभग कितने? 25। हाँ हाँ 25। वे यहाँ आकर हमारे प्राकृतिक सौंदर्य स्थलों का अवलोकन करेंगे और हमारी ग्रामीण संस्कृति का अध्ययन भी करेंगे, और उनकी संपूर्ण व्यवस्था की जिम्मेदारी हमारे कॉलेज की होगी। और मेरे को आशा है कि हमारे विद्यार्थी इस कार्य में हमारा भरपूर सहयोग प्रदान करेंगे। धन्यवाद। शांत रहिए, शांत रहिए। सुनिए, अभी के लिए ये सूचना है कि मैं जिनका नाम ले रही हूँ वो ये हैं: राकेश, कुंवर सिंह, परसराम, नागेश, आकाश, फिरंगीलाल। वे यहाँ रुक जाएं, बाकी सब जा सकते हैं। सरोज जी भाई, मैं तुझे कहाँ कहाँ खोजत रहे हूँ। काबर ये ले। एक आए चिट्ठी। चिट्ठी काकर? चिट्ठी राकेश की। राकेश? अच्छा अच्छा राकेश। क्या तुम आओ अभी चाय पर रही सिखा। आज मोला घर लौटे माँ रात हो जाही, भात लझन बोरे रही बे। माँ मैं तो नौकर हूँ का, जा भूखे मर आज। बड़ा आया है भात लझन बोरे रही बे माँ। अरे दाऊ जी आप बैठिए, प्लीज बैठिए। कहाँ बैठन साहेब, बैठे उठे के लाइक छोड़े कहाँ हाओ। कैसी बातें कर रहे हैं दाऊ जी आप, हमसे कोई गलती हो गई क्या? हाँ गलती आप कहाँ, हमन करथन साहेब।
जौन सब ला अपन जानथन, आंखी मूंद के कखरो पर भरोसा कर लेथन, और अपन बन जाए के बाद कोनो चोट करते तब बड़ दुख होते सर। मुझे तो लगता है आज आप घर से कुछ सोच कर ही आए हैं। दाऊ जी प्लीज पहले आप बैठिए, बैठिए बैठिए बैठिए। हाँ अब बताइए किस चोट की बात कर रहे हैं आप। देखो साहेब, एकर पहली सड़क कार्य के विषय में भी काफी बहस हो चुके हैं। मुला उमराव सिंह से कोनो दुश्मनी नहीं, फिर हाँ ओखर काम के जो तरीका है वो गलत है, और आप मन ओखर गलत काम ला रोके के बजाय ऊपर से हौसला बढ़ा दो। ये क्या करें दाऊ जी, मैंने क्या हौसला बढ़ाया? अच्छा, बिना अखबार में इश्तेहार दे, बिना टेंडर बुलाए, चुपे चुप वो तीनों पुलिया के ठेका उमराव सिंगला कैसे दे दे? कौन कहता दाऊ जी कि ऐसा हुआ है? मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ साहेब, आपके बात के जवाब है मेरे पास। अरे भाई बोल तो क्या बात है? अरे साहेब, वहाँ ठेकेदार के आदमी पहुँच चुके हैं और काम हर अब तक शुरू हुई है। बाहर के मजदूर आके अपन तंबू मंबू सब गाड़ चुके हैं और मन खुदे बतावत रही कि हमन उमराव सिंह के काम करे बार आए हैं कहीं के। ले आओ, सुन ले आओ। क्या करूं दाऊ जी, मेरे ऊपर भी तो दबाव है, ऊपर से दबाव अगर ऊपर से है हम ऊपर तक जाबो, फिर आखी के आगू अत्य अन्याय और अत्याचार नहीं हो अंदर। दाऊ जी इस मामले को और आगे मत बढ़ाइए, मैं इसे सुलझाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है साहेब, हम एक बार फिर आपके ऊपर भरोसा करके जात हैं, ये भरोसा ला बनाए रखना या बिगाड़ना आपके हाथ में है। चल हरी भाई। अरे पधारिए, स्वागत है स्वागत है। छात्रों आइए आइए आइए। अरे क्या, अरे अरे आजा, अरे आजा आजा भाई, कैसे हो? बहुत बढ़िया, आजा आजा, ये चल चलो 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 आगे सब। क्या बात है, चलो चलो आजा आजा। मेरा सामान ये बोझा तोरे आए का माता राम What? ना ही ये बेघा तोरे आए का कि था वो yes, yes, yes. जस बोझा तहस मन के What? नो 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 कुछ नहीं सुनिए का What is your good name please? मोर नाम फिरंगी, फिरंगी राम साहू। आप लोग बड़े अच्छे वक्त पर आए हैं, पड़ोस के गांव में मेला लगा हुआ है, यहाँ के लोग इसे मड़ई कहते हैं। आप लोग तैयार हो जाइए, चाय वाय पी लीजिए, फिर हम मेला देखने चलते हैं। थैंक यू मैडम, थैंक यू। कम ऑन बॉयज एंड गर्ल्स। Thank you.
बच्चों गाँव वालों के साथ सभ्यता से पेश आओ। अच्छा सुनो, ये जितना जल्दी हो सकता निपटाओ। आज प्रिंसिपल साहब ने एक रोचक कार्यक्रम आयोजित किया, तो जल्दी अपने को वहाँ चलो। क्या प्रतिभा, खाएगी क्या? एक चीज आए वो उसने का बताया का। अरे प्रीति जी, आप छत्तीसगढ़ी घलो बोल रहे था? क्यों, रायपुर के छत्तीसगढ़ के बाहर है? नहीं, वो तो हवा है। फिर मैं क्या, जब मैं छत्तीसगढ़ में ही हूँ, छत्तीसगढ़ में ही पली बड़ी। हालांकि मेरे मम्मी पापा बाहर से आए थे, पर मैं तो पूरे टाइम छत्तीसगढ़ में ही रही हूँ और अब भी हूँ। और फिर मेरी केजादाई भी तो है ना, मुझे छत्तीसगढ़ी सिखाने वाली। तब तो प्रीति जी, आप तो छत्तीसगढ़ी में ही गोठिया करो। आपके मुँह से ना छत्तीसगढ़ी बोली बहुत अच्छा लगते। अच्छा, तो जबरदस्ती है का? हाँ। ए भाई कांदा देना, वो क्या पैसा चलते होगा? पैसा के नहीं, रुपया के दे, वो 10 रुपया के। अरे जल्दी जल्दी देन वो। ये ले। अरे कैसे लगे समर करिया बन के बाजार? हाय प्रीति, खरीदेगी क्या? अरे तेरे नखरे बाबा, हो गया ना। चुपे, बहुत बोलता है तू, चल। बड़ा अजीब आदमी है। शुरू करो अंताक्षरी लेके हरि के नाम, समय बिताए के खातिर करना है कुछ काम। सत्संगी माँ से शुरू करो। मेरे हाथों में नौ चूड़ियां हैं, जरा ठहरो सजन मजबूरियां हैं। मेरे हाथों में नौ चूड़ियां हैं, जरा ठहरो सजन के चूरी माथे के बिंदिया, हाथ के चूरी माथे के बिंदिया, कैसे आवे नहीं मोला संगवारी। सारे दो होरे हो ले जान देवे सदे सारे दो। सारी डार गई मुँह पे रंग की गगर, सारी डार गई रंग की गगर, मैं तो धोखे से देखन लागी उधर। सारी डार गई मुँह पे रंग की गगर, मैं तो धोखे से देखन लागी उधर। सारी डार गई यहाँ के थे बार का गाँव गा, बला के दूठन रुपिया दी से
जीवन गौटिया वो करना होगा। औ काकी से जान था क्या? लागे रही थे दीवानी बरोबर मोरो माया, लागे रही थे, लागे रही थे दीवानी बरोबर मोरो माया, लागे रही थे, लागे रही थे दीवानी बरोबर मोरो माया, लागे रही थे। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाएं हम, तेरी बाहों में मर जाएं हम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, मजा नहीं है।
दूर ले गयो। जल्दी आ जाना। राकेश चलो दो दो हाथ जमाते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं। नहीं सर, आप ही मन खेला। हरी अब कुछ नहीं होता, आओ। ऐसे तुम रोज बिहेने लिए इतने लसर लसर दौड़ते रहो का वो? शट अप। माया दे दे माया ले ले माया रो फिर तिल वाले कारे माया दे दे साबुना केते डहन सलान जो केते डहन गावा जो आई केते डहन चाल दिसो कसबोदरा ए तुमर साबुना थाले काओ एक कनी गोरा चिटी आगे री तलाका हाथ रे या गोरा चिटी आगे तुमरे साबुना पौरबे लगा ले जी छुट्टी नहीं तो आंगन में जी छुट्टी झलका भाई एक कनी लगा डर रहते करबा जी छुट्टी कहां था निकमत जी छुट्टी छुछू ही नहीं था छुछू ही कहा तो अब ते हमार चारा ना पैसा ले हाथ बछर बार हो गए रीते हैं तो चारा ना पर सबे साबुन घोट डर बे चोटी चोटी वोटी छान का तो जुबान में था ही नहीं है। हाँ तोर जुबान में था ही नहीं है अब तोर नियत ना देख रहे नियत खोटी अब तक तक कपड़ा तोर दादा धो ही रहे दादा वादा झालू पाट ले भिंडोल। हाँ ते भिंडोल कहाँ था तेरा मोला रे खसाती हो रे भैसी। हाँ मैं भैसी हो रे चिंगरी कोतरी रेगड़ी अरे फुली चुप रे पोचक्की अरे बड़ा बहू वाली बना था सरे फुसमाई भचकी। हां मैं हूं वाली बना था ते नाक वाली यार नाक वाली ते दाव घर के साबुन नीले आ तेरे किस बिन अरे बच्चा खम दाव घर के दरोगनी ना रे दरोगनी। हां ते मोला बता था सरे दरोगनी आ ते नानुक साबुन का वाली ला रे किस बिन तेरे बच्चा मला कहीं धालित का हो लिरबुट लिरबुट आई क्या धालित का है चुप ये ताई मैं मर गया ताई मैं मर गया ताई मैं मर गया ताई मैं मर गया ताई यार बिंदोल मला मारे तो कर सजा लगाने पागे आई ये कहा हो गया ताई महुल धालित का आए महुला क्या नाम बताया सर जीवन दाऊ। कौन जीवन दाऊ? उस इलाके के बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति है सर, बड़े सच्चे और न्यायप्रिय, उसी के चलते तो ये सब हुआ है सर। वो तो ये कह रहे थे कि इस मामले की शिकायत मैं ऊपर तक करूंगा। उसने ऊपर तक जाने की धमकी दी और तुम दबा के यहाँ आ गए। देखो ऑफिसर, बचपन से लेकर आज तक मैं हमेशा अपनी जिद मनवाता रहा हूँ और मुझे जिद्दी ही रहने दो तो अच्छा है, खासकर तुम्हारे लिए। सर आपकी कोई परंपरा टूटे ये मैं भी नहीं चाहता सर, पर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ सर। बोलो क्या कहना चाहते हो? सर आप अपने नाम से नहीं बल्कि अपने ही किसी आदमी के नाम पर ये टेंडर भरवा दे तो काम बन जाएगा सर, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। वाह क्या बात है ऑफिसर, लाल भी टपक रही है और डर भी लग रहा है। क्या करूं सर, ताल बच्चे वाला हूं। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 3 बच्चे सर। बच्चे 3 और मियां बीवी कुल 5 है ना? जी सर। शारदा बाबू। जी भाई जी। ऑफिसर को 5 पैकेट नाश्ता करा दो। चलिए साहब आपको नाश्ता करवाए दें। अच्छा सर
प्रणाम। चलिए। आयतिया बैठे की जगह है। कैसे थक गए क्या? तोरे माया के बोली खाते सुध बुध में हाँ भुला गयो मछरी बरोबर तड़फ के मैं आधी आ गया अरे प्रीति जी आप बहुत अच्छा गाथस राकेश कतेक मिठास है तोर गीत मां। ओहो प्रीति जी अतेक तारीफ मत करो मोर बेसुरहा के मैं अड़हा गवैयाता हूँ जैसने मन में आते वैसने गुनगुना लेता हूँ। नहीं राकेश ते सच में बहुत अच्छा गातस कहाँ ले सीखे? कहाँ ले सीखे प्रीति जी ये गांव देहात में कौन हरमोला गाए बजाए बर सिखाही? ये पथरला देखा था ये मोर महतारी के कोरा बरोबर आए ये नदिया ये नरवा डोंगरी पहाड़ चिराई चुरगुन यहाँ तक के यहाँ के एक एक ठंड पेड़ के संग मोर बितानी है और इखरे सोहबती माँ मैं पले बढ़े हाँ माँ और यही मन मोला गाय बजाए बर उकसा थे वो मिठास मोर गला में नहीं है प्रीति जी ये हमार जंगल राज है ना यहाँ के कण कण में समाए है और नहीं तो मैं बेसुरहा कहाँ गाहूँ और कहाँ बजाऊँ। वाह राकेश कतेक सुंदर विचार है धन्य है ये छत्तीसगढ़ की माटी और धन्य है छत्तीसगढ़िया। आप सच में बहुत अच्छा हो प्रीति जी काबर छत्तीसगढ़ पर आपके हृदय में एक मान देख के बहुत अच्छा लगी ऐसे का? हाँ प्रीति जी ठीक है तो चल बोला एक बार वही गाना ला सुना दे काबर कोनो जबरदस्ती है का? टूटू भाई क्या टूटू भाई क्या यार मजा आ गया मजा आ गया कुछ सिगरेट विगरेट देना यार कुछ पिलाना ले क्या बात है वाह
अरे यार इसमें तो कुछ है ही नहीं यार, क्या कुछ नहीं रखते तुम, कमाल है। अभी इंतजाम करते हैं देखो। अबे सिगरेट पिला। मोर पास में सिगरेट नहीं है भैया, बीड़ी है। अबे ओ छत्तीसगढ़ी है, तेरे को हिंदी समझ में नहीं आती क्या? मैं तेरे को बोला ना सिगरेट दे। बोले ना साहब सिगरेट नहीं है बीड़ी है। है? तेरी ऐसी की तैसी, मैं तेरे को बीड़ी पीने वाला दिखता हूँ। बड़ा बड़ा छोड़ना यार, छोड़ना यार, मैं देहातियों से डरता हूँ क्या? है? और तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे बीड़ी पिलाने की? है? देखो भाई साहब आप ला निशा ज्यादा हो गए, आप चुपचाप घर चले जाओ। अच्छा मैं घर चला जाऊँ? गवार कहेंगे तू मेरे को घर जानो कह रहा। अबे दूर हट। कैसे छत्तीसगढ़ी समझ में इसकी नहीं? अरे प्रीति तुम यहाँ बैठी हो, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। क्यों? लो खाओ। ये क्या है? अरे खाकर तो देखो, स्पेशली तुम्हारे लिए लेकर आया। सॉरी बेटा कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा। यार चक्कर तो देखो। कहा ना बाटा मन नहीं है, वैसे भी राकेश ने मुझे बहुत सारा उसना कांदा खिला दिया है, पेट में जगह बिल्कुल नहीं है। अरे प्रीति ये रोज रोज क्या उसना कांदा फुसना कांदा लगा रखा है, ऐसी चीजें तो ये गांव वाले देहाती लोग खाते हैं। प्रीति ये लो खाओ। प्लीज बाटा जिद मत करो। अच्छा तो नहीं खाओगी? नहीं। ठीक है चलो जरा टहल कर आते हैं। ये क्या कर रहे हो बाटा, मुझे कहीं नहीं जाना है। चलो ना, इस तरह की बदतमीजी मुझे पसंद नहीं बाटा, मेरा हाथ छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा। देखो मैं बोल रही हूँ मेरा हाथ छोड़ो। छुड़ा सकती है तो छुड़ा ले। देख बाटा प्रीति जी तुम हमारे मेहमान आओ, और मैं नहीं चाहूँ कि यहाँ कोई बखेड़ा खड़े हो, क्या चुपचाप यहाँ चल दे, यही तौर पर अच्छा रही। अबे चुप। अरे तू कौन होता मेरे और प्रीति के बीच टांग लाने वाला, लगता है तेरी नीयत खराब है। देख बाटा क्या प्रीति जी के हाथ ला छोड़ दे। नहीं ऐसे तल्ले। कि यहाँ पर क्या हो रहा है? सर सर ये चढ़ा राकेश, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। तमाशा बना के रखा है, बड़ी शर्म की बात है। तुम दोनों मेरे कमरे में आओ। प्रीति जी हमारे मेहमान है, एकर हिफाजत करना हमारे धर्म है। प्रीति जी हमारे मेहमान है, एकर हिफाजत करना हमारे धर्म है। प्रीति जी हमारे मेहमान है, एकर हिफाजत करना हमारे धर्म है। प्रीति जी हमारे मेहमान है, एकर हिफाजत करना हमारे धर्म है। मॉर्निंग वॉक पे नहीं चलेगी क्या? राकेश। अरे प्रीति जी आप का बात है राकेश, ए रात की ढेरी माँ काला खुजत बैठे हैं बस? कुछ नहीं। अच्छा नाराज हंसना मोर से प्रीति जी,
या क्या कहा था वो? राकेश, ए राखला देखा था बस काली रात ए हर आगे बनके कतिक जोर जोर से धधकत रहीस है ना? और आज वही आगे हर राख बनके अतिक शांत तो एक क्षण चिंगारी तक नहीं। हाँ प्रीति जी, ये आगी के स्वभाव भी बड़ा अजीब होते, जिन हर बम्बर असन बरे के बाद भी आखिर में जुड़ा के शांत हो जाते, फिर आदमी आदमी मन के बीच ये दुआ भेद के जौन आगी है वो काबर नहीं जुड़ा हुआ है, काबर नहीं थिरा है, ये देहाती और शहरिया के बीच जिन लक्ष्मण रेखा है इन्हा काबर नहीं मिटावा है, का हम छत्तीसगढ़िया मन के भाग मा यही लिखा है कि हम जिंदगी भर दब के झुक के सब जन के डांटे फटकारला सुनत रही, वो काबर हमला देहाती गवार की थे, देहाती होना कोनो पाप है का? अरे राकेश, नहीं तो साधु महात्मा मन बरोबर गोठियावत है, देख ये जंगल झाड़ी की जगह है, कहीं बैराग लेके तपस्या में बैठे के तो इरादा नहीं है। देख राकेश, जौन हर ये गांव देहात के मोह मायाला नहीं चीनिस वो छत्तीसगढ़ला का चीनिस, एक गांव देहात के धुर्रा माटी मा माया पीरित के रंग समाये हवे, और जौन हर ए रंगला चीन लेते ए छत्तीसगढ़ ओला आपन रंग में तर पतर कर देते। राकेश, मोला तो ये छत्तीसगढ़ के देहात बहुत अच्छा लागते। और छत्तीसगढ़ के देहाती शांत हो जाइए। अभी अभी राकेश ने हमें जानकारी दी है कि आज यहाँ पर रात को छत्तीसगढ़ की मशहूर लोक गायिका ममता चंद्राकर का प्रोग्राम होने जा रहा है, और मैं चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम हम जरूर देखें, और देखें नहीं बल्कि उनसे मुलाकात करें जरूर सर, और लोक संगीत के बारे में कुछ जानें और समझें। ओके यस सर।
अरे मजा आ गया टूटू भाई, ये अच्छा। आज बहुत देर हो गई प्रीति जी, मैं घर जाता हूँ, कल सुबह फिर आऊँ। गुड नाइट। गुड नाइट। अरे सुन तो, एक बात कहे बार बुला गे रहे। क्या बात है प्रीति जी? बताओ। हाँ बता दो। हाँ हाँ बता दो ना प्रीति जी। सच में बता दो? अरे बता दो ना प्रीति जी। कोनो जबरदस्ती है का? मोला छत्तीसगढ़ की देहाती बहुत पसंद है। ले जा वो दिखाड़े प्रीति। नहीं यार ओकर सहेली मन खड़े है, वो मन का सोची? कौन का सोची तेकर चक्कर में पड़े रही वे ता तो देवा गे, ओकर जाए के समय हो गए। अरे रुकना अभी सरमला तो कम से कम हटन दे। तहु निचट घोचो हस यार, देला चिट्ठी ला मैं दे देता हूँ। नहीं नहीं चिट्ठी ला मैं खुद अपन हाथ ले देहूँ। अजा सुन सुन ते ही मेरे खड़े रहा, मैं हाथ प्रीति ला भेजता हूँ। नमस्ते सब जन ला जय जोहार। हेलो हेलो। नमस्ते प्रीति जी। नमस्ते फिरंगी जी। आज आप मान के सबके जाए के बाद यहाँ बिल्कुल सुनना हो जाए। हाँ फिरंगी ये बात तो है, यहाँ ला छोड़ के जाना हम मनला अच्छा नहीं लगते, फिर क्या कर बे, आखिर जाना तो है ना। आप राकेश से मिले कि नहीं? नहीं तो कहाँ है वो? वो दे तो खड़े है, जाओ ना मिल लो। राकेश मोर चीज कहाँ है ला दे। अरे ये जेब में का खोजत हस? मिठू ला जेब में धर के लाने हस का? मिठू? हाँ हाँ मिठू, ते मोला जाए के दिन मां मिठू दे हूँ कहे रहस ना। ला दे कहाँ है? अच्छा मिठू, धत तेरे की जल्दी जल्दी भुला गया हूँ प्रीति जी। खैर कोई बात नहीं। अच्छा राकेश मैं जाऊँ? प्रीति जी। हाँ राकेश क्या बात है, ते मोला कुछ कहना चाहते हैं? हाँ हाँ ना। राकेश मोर फोन नंबर तो तोर पास है ना? हाँ है ना। मैं तोर फोन की इंतजार करूँ राकेश, ते मोला फोन कर पे ना। कोनो जबरदस्ती है का? हाँ मैं जाऊँ तो राकेश भाई। चलो प्रीति जल्दी करो, चलो चलो। आ रहा है सर, आ रहा है। फोन नंबर दियो ना। अच्छा प्रीति जी नमस्ते। नमस्ते। बाय 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 बाय। चलो चलो। कैसे राकेश बाबू मन के बात पहुंच गए? नोनी दस्मत कहना करा का पहुंची यार, दिमाग खराब हो गए। दिमाग खराब हो गए मतलब प्रीति ने चिट्ठी नहीं दे पाए? ओहो लस खवा दिया यार, ताहू निचट लोजरू आदमी है सीमान से। चल गाड़ी जल्दी स्टार्ट कर। काबर? अरे ते चलना यार जल्दी कर, बस के पिछला गुधर अभी ज्यादा दूरी नहीं गई हुई।
हाँ यार, यही बहाना चिट्ठी मिट्टू दोनों देवा जाए। चल चल जल्दी कर। राकेश तुम, हम तो तुम्हें अभी गरियाबंद में छोड़कर आए थे, यहाँ कैसे? सर प्रीति जी तोता ले जाऊं बोले रही ना, उहिल देवर आए हूं। अच्छा 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 ठीक है, अंदर प्रीति बैठिए, दे दो। माया दे दे माया ले ले माया रो प्रीति वाले कारे माया दे दे। प्रीति जी थैंक यू राकेश, कितने सुंदर मिठू है। मिट्टू प्रीति जी चलो चलो ड्राइवर चलो जल्दी चलो। सरोज आज तो नहीं जाना, मैं काते खुश होते ला। मारे खुशी के मैं पागल हो जाऊं ऐसे लागत है। सरोज मैं तो अपन मन की बात बताना चाहता हूँ। वही सुनने पर तो मैं कब से तरसा था। हाँ राकेश बताना, का बताऊँ का है? नहीं मोला लाज लगते। कहते तुरी मन बरोबर लजावा थे, बता ना। नहीं पहले से आंखें बंद कर तब बताऊँ। ठीक है बाबा ये ले, चल अब बता। राकेश भैया, राकेश भैया तो लदाऊ जी बुलावा थे, जल्दी चल। दाऊ जी सरोज मैं जाता हूँ, मैं बाद में आके बताऊँ। नहीं ना
मोर दीवानी। ये मोर दीवानी राखी रही हूँ अंतस मदानपू, राखी रही हूँ अंतस मदानपू, रे संगी झुलबो झुले नारे झू, राखी रही हूँ अंतस मदाना फूल, रे संगी झुलबो झुले नारे झू। माते हवे सरसों के फूल, रे संगी झुलबो झुले नारे झू, कैसे माते हवे सरसों के फूल, रे संगी झुलबो झुले नारे झू। माटी के है बगिया में फूल, रे संगी झुलबो झुले नारे झू, माटी के है बगिया आइए भाई जी। ये क्या भाई जी, धंधा पानी बंद करके ये खेती बाड़ी कब से शुरू कर दिए हैं? ये क्या भगते हो शारदा बाबू, तेरे खेती बाड़ी में हवे का क्या मतलब है? ये जमीन देख रहे हो? हाँ देखत है, देखत है। कितनी होगी? यही कोई 15-20 एकड़। अरे वाह, बड़ी चौकी नजर है तुम्हारी। अरे हम आपके बिना कहा हूँ, चौकी भी आपकी है, नजर भी आपकी है। शारदा बाबू, इस जमीन को मैंने पानी के मोल खरीदा है, जानते हो क्यों? क्यों का? हमको तो लगता है कि आप छत्तीसगढ़ या किसान बनने का मन में ठान लिए हैं। किसान? और वो भी छत्तीसगढ़ का? शारदा बाबू, ये जमीन और ये फसल देख रहे हैं, एक बहाना है इस नए इलाके में सेंध लगाने के लिए, जानते हो क्यों? 2 साल, सिर्फ 2 साल इस जमीन पर फसल उगेगी। इन 2 सालों में मैं यहाँ अपनी पकड़ इतनी मजबूत कर लूंगा जितनी कि छत्तीसगढ़ के बाकी इलाकों में है। फिर? अरे फिर क्या, 3रे साल इस जमीन पर फसल की जगह एक शराब की शानदार फैक्ट्री होगी। शारदा बाबू, शराब छत्तीसगढ़ियों की एक कमजोरी है और इसी कमजोरी का हमें भरपूर फायदा उठाना है, समझ गए? समझ गए भाई जी, समझ गए। आई कचरा का आया, आना बैठ ले, कहा जा था सिया कचरा फेंक के बरिया आना रोगी एक कनी बैठस नी, अब बूता पर बहनी नहीं बैठन सका, बूता वाली अब दिन हो गए थे आई फुलका पर तो बेहसिया। नहीं नहीं ऐसे बने हम यहाँ तो कई खा गोलदार हो गए का आया, आई देख खा रहा कई खा गोलदार हो गए थे, मैं तो बेहस आई आई देखो ना आ ये ले ये देख ले ये ले ये देख ले हा भाग भाई ये दाई कब कम आए लोग देखे फिर तो सरिक नहीं देखे वो तो मोर सरिक तो मिली छे वो तो कहा तू साला देख पे वो काला बतावे वो तरह काला बतावे वो सरिक
कमजोरी कारण से मोर ये दे 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 बहनी मोरिया दे 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 चुंदी मन फोकी फोकी हो गया नीचा टूटरी टूटरी हो गया कचरा हाँ बहनी दाउ ही टूटरी टूटरी बाढ़ है की के भाका ना डॉक्टर मेरे की हूँ मोर चुंदी है बाढ़ जाए की के 8 दिन के सूजी दी और 8 दिन के गोली दी बने गोली और सूजी करवाए बहनी तो ये चुंदी है नी बारिश हो मोर मैं छा जाम के तबले मैं छाकड़ी हो गयो मोर सब ये ते चुंदी में सुखा के दाई यहाँ क्यों ना पतला हो गया यहाँ तो मुड़वा लटा हो गए डॉक्टर साहब हाँ यस मोर माँ की आंखें ठीक तो हो जाही ना डॉक्टर साहब हाँ हाँ क्यों नहीं आप मुला भुलियारा तो नहीं हो ना सही सही बताओ कोई घबराए की बात तो नहीं है ना अरे अरे पगले घबराने जैसी क्या बात है मोतियाबिंद तो एक छोटा सा ऑपरेशन है और वो मैं आज शाम को ही कह देता हूँ फिर 1-2 दिन बाद छुट्टी ओके ठीक है डॉक्टर साहब बदमाश कहीं के बोला गाड़ी का बाबे का अरे ते फिर शुरू हो गए हाँ चुप बिल्कुल चुप और खबरदार अब कुछ बोले थे बड़ा आए राकेश राकेश बुलैया हेलो कौन हाँ मैं प्रीति बोल रही हूँ प्रीति जी मैं राकेश बोला था राकेश 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 अच्छा ये बता अभी माँ हर कौन से अस्पताल में हावे CMI अस्पताल में ठीक है मैं तुरते उहे पहुँचत हूँ अगुर भी राकेश अरे प्रीति जी आप माया दे दे माया ले ले माया रो प्रीति वाले कारे माया दे दे कैसे हैं राकेश ठीक हूँ अच्छा राकेश माँ कहाँ है माँ हाँ माँ अभी थोड़ी देर पहले फिरंगी संग गांव निकल गए घर निकल गई राकेश ते माला थोड़ी देर आओ नहीं रोक सकते रहे प्रीति जी मैं सोचा पता नहीं आप आहु कि नहीं बहुत अच्छे सोचे थे अब ये बता ते यहाँ कैसे रुक गए रायपुर में मुला थोड़ा काम रही
एक दो दिन दोस्त के यहाँ रुक जाऊं, काम घलो निपट जाई, यही बाना रायपुर घलो घूम ले हूं। ऐसे तो ठीक है, चल मोर संग। कहां? ओफो, अरे ते चल तो सही। राकेश जानते आज मिठू हर तोर बहुत याद करत रही। मैं तोर याद काबर करूँ? बतावा सच्ची में बता दू? हाँ हाँ बता ना काबर। सुन काबर के तैमूर संग प्यार करता। अरे पगली तय मोले का छिपा था तोर मन के बात ला का मैं नहीं जाना हूं। तो रोम रोम हर गुहार पार के कहा थे तय मोला कत्तिक माया करता। प्रीति मन के बात ला मन में धान के झंझट कही दे जो तोर मन में है। राकेश का कहूं, बिना कहे ते सब जान डारे। अब कहे बर अब का बाज गए। मोर मन की बात ला कही कह देना अपन मुझसे। ऐसे कह दे? हाँ। सच्ची कह दे? हाँ। तो पहली अपन आखिल बनकर काबर कर तो मैं हो गई हूँ दीवानी। डोरी मा फांस डरे मोला निर्मोही दया है
डोरी मा फांस डारे मोला अरे निर्मोही दया नहीं तोला सह नहीं जाए तेरा मन मा समा जा ये अकोरत हो जल्दी आ जा दिन बीते ना बिताए हो रस माया के पियाए ना ते पहली नजर मा वो मोर मन मा समाए देखिए मैडम कुछ अच्छा सा दिखाइए ना जी देखिए ये दीजिए जी हुई ना बात मैडम आपके लाने भी कछु दिखाएं नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए अरे आप देख तो लीजिए मैडम आपके लाने बहुत ही बढ़िया चीज है ये ठीक है ये भी दे दीजिए बागू ये दोनों को पैक कर दो प्रीति क्या बात है आजकल खूब खरीदारियां हो रही हैं कोई खास बात है क्या क्यों किसी खास बात पर कोई खरीदारी करता है क्या क्यों नहीं साथ में जो देहाती लंगूर जो है शट अप बाटा
अरे तेरे शट अप, आशिकों की इतनी भी क्या कमी थी शहर में जो गांव के देहाती मॉडल को उठा ला। मुझे तुम्हारी फालतू की बकवास नहीं सुननी, गाड़ी हटाओ सामने से। अबे राकेश, अबे पनहीमा मारहूस साले। ऐसा तोर का बिगाड़ कर डरन भाई जे मा पनहीमा मारहू कहा था। अच्छा वो दिन भाई गए आते छौ कह के टरक देस बे। का करबे दाऊ जी, पेट भी काली मत जाल पर गे। वो अरे तोर पेट भी काली, वो दिन साले मैं तोर पर कुकराला ठेलिया के रखे रहे हूं। ऐसे ता लेना रे भाई, अब तो आ गए हां, कहां है तोर कुकरा। वाह वो कोनो माड़े के चीज है बे, जोन माड़े रही गए। चल चल वहां छैया में बैठबो, चल साल। अबे नटेर नटेर के कहा देखा था, नजर लगावे का। तोर फसल है तो गजब के दिखा थे दाऊ जी। अरे अभी के दिखे ले कहा हो ही गोवर्धन बाबू, तिजोरी के जावत ले गजब के दिखे तब ना। चल चल बैठबो, आ बैठ गोवर्धन सेठ। ताके है गोवर्धन सेठ? अरे सेठ नहीं तो का कहां, घर द्वार ला छोड़ के हरर हरर एती ओती घूम घूम के मार बटोरत हवस। अरे अब तो थी राजा, एक ठन तो टूटी बहु राज हवा है, काली ससुराल चल दी, तहन बाज के चप्पो के चप्पो, डोकरी और डोकरा। अरे अतेक सकेल बटोर के काकर वर रखा था। अच्छा तोरो तो एक झन टूरा हवे, ते काबर मस्गिद्दा बरोबर यहाँ उड़ाला देते घाम प्यास में बैठे हवत जी। वाह मोर हाटूरा न हो जी। अरे भाई काली ओखर बर बिहाव हुई ताल बाल बच्चा हुई तो उखर मन भर जोर जगार के जायल पर ही ना। अरे तभी तो मोला पीतर पाक में बलाहीगा। अहो पीतर भात खाए बर आवे ना तब महुल हाँक पाल लेवे, हंसा संग में बगुला घलो तर जो। और सुना आज अकरा सू पानी कस ये ढार कैसे आ गए? घर डार गिरे हूँ, पता चली तेती आया तेती आ गया हूँ। कैसे दाऊ जी, मैं हर तोड़कर एक खन विनती लेके आ रहे हूँ। कैसे अंते तंते को ठिया था सिया? अरे हम ननपन के संगवारी, तोर हमार का दुआ बे, का बात आए तेला सोच भाई नहीं को ठिया जी। ननपन के मितानी ला हमन रिश्तेदारी में बदल लेते कह के आ रहे हैं, राकेश पर हमार सरोज कैसे रही? ये ले। कॉलेज परन दिन के बात आए, राकेश के महासंग हमुमन इज गोटला गोठियावत रहन, अहु आज तक कहीं घलो दे। तब फिर ते का सोचेस दाऊ? ए मां सोचना विचारना का है जी, हमार डहार ले तो सोला आना सोचे सोचा है। फिरंगीला रायपुर भेज के राकेश ला बलवा लेता हूँ, कहा ले दिन तिथि तय कर ले। वाह दाऊ तय मोर मुड़ के बहुत बड़े बोझल उतार दे, तोर ये उपकार ला मैं जीवन भर निकला सकूं। देख गोवर्धन अब ते सही में मोर पन्ही के मार खावे तैसे लागत है। ले बैठो मैं जाता। हाँ जोहार ले। जोहार जोहार ले जा, बने सकेल बटोर के राखबे। काबर? अरे बिहाव मा ले देवर नहीं लागी जी। आओ ताऊ वरना घर भर के बोरी बोरा ला खाली करके सही सुता के रख रहे। काबर
खून खून के भर में नहीं जी। कचरा आई बोदरा रेकर जात रहे आ मोर करा हो काबर या मार गए मार गए मार गए मार गए कौन मार दी कौन मार दी मार दी इसने मार गए मार गए मार गए मार गए का मार गए फलाना के छोकरा हां और फलाना के चुरी और कसरान बिहा मार गए बिहा मार गए कहीं चली जाने थो दो के कैसे गोठा थसिया मैंने पते हां पड़े दाव के छोकरा राकेश हां और गोवर्धन के छोकरी हां ये दोनों छन के बिहा मार गए तोला सुनाई आके मोला सुनाई नहीं आई मैं नहीं पत्य मार गए धूमरी मार गए पत्य आज खलो नहीं चुपरा भोक लो ला फोकट के गोठे आत्री कहीं जाने नहीं ये दे भित्री का हाल लेख के भाई हम लोग मुर्रा दी से आई मोला देना या आई मोला देना आई मोला देना तब हल में निम निम मानो अरे ऊंचे लेटा आ चोट नहीं पतिया आई ये फिरंगी अरे आ बेटा आ आ आ कहाँ गए वो ये का कहा थे तेरा सुन तो कहा होगे राकेश के गोवर्धन के छोकरी के साथ बिहा मार के बात है चलत रही से अच्छा? मैं हूँ चल सुन के निमाड़े मार के रे मार के फिर नहीं पता दूरों चल मोला अरे मैं संग में राकेश से घुमा देता तब नहीं जानू वो अरे संग में राकेश के घुमा था अभी भी तेरी के बाद घर में चला थे चला थे कहा जा रहे अरे गेट खोल रे सुनता नहीं है का हाँ गेट खोल रे पहली रसीद तो कटवा ले गेट बाद में खुली एतियो अरे गेट खोल बड़ा है का रे हाँ नहीं नहीं पहले रसीद बाद में गेट खुली उमराव सिंह का नाम नहीं सुना है का एक घाव कही दे ना पहली रसीद गेट बाद में खुली रसीद पूछत है रसीद कटवाओ इनका मार, मार। गेट ना खोला चल चल अरे रोको बिना रस्सी अरे रोको लकड़ी का चुरा कर लेगा से नहीं सर रामलाल कहोगे कहोगे तो राम सिंह के आदमी मन बोला मार के चल दें सर बोला रोको सर ठीक है मैं देख लेता हूँ राम सिंह
भाई जी हेलो, हम शारदा बोल रहा हूँ। भाई जी वो का है कि जौन गरिया बंद चेकिंग नाका है ना, जंगल विभाग का, वहीं पर हमारा ट्रक लकड़ी समेत पकड़ा गया है। हाँ वो ससुरा ऑफिसर जौन है ना, वो जीवन दाऊ का आदमी है और जीवन दाऊ का नाम लेके हम पर गर्जत रहा और हमारा ट्रकवा को जब्त कर लिया। आपका नाम बताया, चाय पानी का लालच दिखाया, पर वो ससुर तो हरिश्चंद्र का औलाद निकला। भाई जी कुछ करो, भाई जी कुछ करो। राकेश ए हर मोर केजा दाइया है, मोला सबले ज्यादा मया करैया। मैं जब 6 साल के रहे ना, तभी मोर माँ मोला छोड़ के भगवान के घर चल दिस। ओ दिन है और आज के दिन केजा दाई मोला माँ की कमी कभू महसूस नहीं होन दिस। राकेश ए हर तो मोर सब कुछ है। पाँव पर तो केजा दाई जियत ना बेटा। केजा दाई पापा कहाँ है? वो बगीचा डाहर बैठे हैं बेटी। अच्छा केजा दाई, मैं राकेश ला पापा से मिला के आवत हूँ। चल राकेश। हेलो पापा। हेलो बेटा। राकेश ये मेरे पापा हैं। पापा ये राकेश। नमस्ते पापा जी। नमस्ते। प्रीति के दोस्त हो? प्रीति के साथ पढ़ते हो? नहीं पापा जी, मैं गरियाबंद में पढ़ता हूँ। क्या गरियाबंद? रहने वाले कहाँ के हो? गरियाबंद के पास एक छोटे से गांव है बारू का, मैं वहीं के रहने वाला हूँ। अच्छा, पिताजी क्या करते हैं? खेती किसानी। कहीं तुम जीवन दाऊ के लड़के तो नहीं हो? जी हाँ, मैं ओखरे लड़का हूँ। अच्छा अच्छा, जीवन दाऊ के लड़के हो। आप उन्हें जानते हैं पापा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। हालांकि उनसे मिला नहीं हूँ, पर उनके बारे में काफी सुना है। पक्के छत्तीसगढ़िया है तो राकेश? अब छत्तीसगढ़ में रहने वाला छत्तीसगढ़िया तो होवे कर ही ना पापा जी। ओ माँ पक्का वो कच्चा है का बात है। वाह क्या बात है, अच्छा बोल लेते हो। मैं कुछ गलत कही पा रहा हूँ का पापा जी? अरे नहीं तो, बहुत अच्छे, पिताजी ने सिखाया होगा ना। राकेश हमारा बंगला कैसा लगा? मैं कहा बताऊँ पापा जी, मोला तो ये राजा महाराजा के महल बरोबर लगा थे। इससे पहले कभी देखा था ऐसा बंगला? नहीं पापा जी। देख भी कहा सकते हो, तुम रहते गांव में, और वहां ऐसा बंगला कहा, वहां तो घास फूस की झोपड़ियां हैं। क्यों राकेश? अच्छा प्रीति जी, बहुत देरी हो गई, अब मुझे जाना चाहिए। रुको राकेश, पापा मैं राकेश को बाहर तक छोड़कर आती हूँ। रुको प्रीति, मुझे तुमसे जरूरी बातें करनी है। राकेश पढ़ा लिखा नौजवान है, कोई अनपढ़ गवार नहीं जो बाहर जाने का रास्ता भूल जाएगा। क्यों राकेश? जी प्रीति जी मैं जाता हूँ। नमस्ते पापा जी। रुक जा राकेश। प्रीति मुझे इस तरह के लड़कों से मिलना पसंद नहीं है बिल्कुल, और ये बात मुझे दोबारा न कहनी पड़े। राकेश पापा की बात का बुरा मत मानना, वो कभी कभी गुस्से में आके बोल जाते हैं। एक बात बोलूं, मेरे लिए जरा सा मुस्कुरा दोगे प्लीज? प्लीज कोनो जबरदस्ती है का? माँ। अरे सरोज आ बैठ बेटी, कैसे आज पढ़े पर कॉलेज नहीं गए? नहीं माँ, आज ढेरी ऐसी लगत रही ना, देखर से ते नहीं गया। माँ राकेश रायपुर ले नहीं आए है का? नहीं आए है, वो उतने रायपुर में का कर रहे थे, ओकर बाबू हा काले फिरंगी ला भेजो हूँ कहात रहे। देना माँ से मिला मैं नहीं मार देता हूँ। लेने मार, अब तो मोर घर में बहु बन के आते छस, ये सब काम बुता तो तुहिशला करे बर पर ही। सरोज सुन। हाँ माँ। राकेशला सेमी साग बहुत पसंद है समझे? तोरी मैया की बोली खाती
अरे चल ना। प्रीति का कोनो आदमी भुइया में खड़े खड़े चंदाला छू सकते? का मतलब? कहूं ऐसी नहीं ना कि मैं भुइया के मामूली से आदमी आसमान में चमकर चंदाला पाए की कोशिश करता हूं। राकेश, वैसे तो भुइया ले खड़े खड़े चंदाला कोनो नहीं छू सके, फिर हाँ चंदाला पाए के दूसरा रास्ता भी तो हवे। दूसरा रास्ता? हाँ राकेश, मन से प्यार से श्रद्धा से ते एक बार चंदाला हाँक पार के तो देख, ते पावे कि चंदा तो कब के आके तोर हृदय में समा चुके है, ते ओला कब के पा चुके हस राकेश। बस प्रीति, मोला अपन सवाल के जवाब मिल गए। मैं अपन चंदाला अपन हृदय में महसूस करत हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मोर चंदा हर हमेशा मोर हृदय में समाये रहे। मोला तो डर लागत है राकेश। डर? का बात के डर? कहीं तोर चंदाला तोर से नगा के फिर कोनो हा आसमान में टांग झन दे। नहीं प्रीति, ऐसा झन कहा। हाँ राकेश, पापा ला हमारे बारे में सब कुछ पता चल चुके हैं। पापा ला हमारे मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं है। अब तही कुछ कर राकेश, सब ठीक हो जाए। जानते घबरावत का बरस? नहीं राकेश, ते मोर पापा ला नहीं जानस, वो कुछ भी करवा सकते। मैं सब जानता हूँ प्रीति, फिर मैं तोर से पूछा था, तोर पापा की डर हा हमार प्यार ला भुलवा सकते? का तोर पापा हमार मया ला अपन गुस्सा में जला सकते? नहीं ना। बस मोला अपन प्यार के ऊपर पूरा भरोसा है। तैं देख लेवे प्रीति, यही प्यार के बल में एक दिन मैं तोला जीत के रहूं। अब यहाँ एक एक पल हा मोला पहाड़ कस भारी लागते राकेश। ले चलते मोला अपन संग अपन गाँव। ले जाऊं पगली ले जाऊं, बस थोड़ी कहू सबर कर ले। अबे ओ देहाती, तुम तो बड़ा हीरो बन रहा था, क्यों? आज बताता हूँ तुझे। बेटा ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है नहीं, अभी तो बहुत कुछ होगा, समझे? इस हराम जादे को तो ऐसा सबक सिखाना है कि ये दोबारा फिर कभी शहर की तरफ रुख ना करे। देख बेटा, ये तो अच्छा नहीं कर रहा था। अबे चुप, चुपचाप बैठा रहे। देख आज तू कुछ नहीं बोलेगा, समझे? मारो इसे। बड़ी माँ, रायपुर ले घर आए पर रिक्शा में बैठ के बस स्टैंड आत रही है, तो रिक्शा उलट गए, गिर गए बपुरा, छुला गए हाथ गोड़, बस उठ के तो आए ना जी। हाँ माँ, जरा से खरोच तो आए, क्या घबरा जन, दो चार दिन में ठीक हो जाए। बड़ी माँ, बड़ जोर से भूख लागत है, बासी बासी है का? चल हाथ मुँह धो, आ खाना लगा दो। अच्छा तो छोटे दावर यहाँ हवे, और मैं हरेला कहाँ कहाँ नहीं खोजा था।
चलो अच्छा है, अकेला में मिल गए। असल में बात घलो अकेलच के हवे। राकेश, मैं एक ठन बात पूछूं, नाराज तो नहीं होबे ना? राकेश, कोनो लड़की बारे कते खुशी की बात आए ना, कि जॉन लाओ चाहे माया करे, जिखर दिन रात वो सपना देखे वो हर वाला मिल जाए। मोरो तकदीर मा ये खुशी लिखाए रहीस, जोन में तोला पा गए हूँ। कुछ दिन बाद हमार शादी हो जाही, और शादी हर लड़की पर दूसर जन्म आए गए थे। मैं अपन दूसर जन्म ला तोर प्रीत की छैया माँ, तोर माया के आश्रम में बिताए के अर्जी लेके आए हूँ। राकेश, राकेश का बात है, ते रोवत काबर हस? का तोला मोर बात अच्छा नहीं लागीस? पता ना का बात है। राकेश, तोला मोर कसम है, सच सच बता, बताने ते महू रो दे हूं। नहीं सरोज, ते मोर से ही बेमान बर अपना सुख इतना छन कर। राकेश, ये तोला का हो गई है, ये ते का का गोठियात हस? मोर तो कुछ समझ में नहीं आवत है, बता ना। मोर से कुछ जन पूछ सरोज, सच्चाई जान के तोला दुखे छोई। वही तो कहा था, मोर बाटा के दुख लगते मोला दे दे, दुख बांट के कम से कम तोर मन के दुख तो हल्का हो जाही। सरोज, मैं अपने सुधा हमेशा अपना धुन में मगन रह गया, तो मन के बात ला दिल लगी समझ के हंसी में उड़ा देव। मैं सिर्फ तौन कहता हूँ सरोज, मैं तोला वैसा नजर कभी नहीं देखे हूँ। तुम मोला अत्यक प्यार करता, मैं कभी जाने नहीं पाया हूँ, और आज जब मैं जाने आऊ तब कहा हो गया। राकेश, सरोज, सरोज, मैं प्रीतिल प्यार करता हूँ। कहा प्रीति? हाँ सरोज, मैं और प्रीति एक दूसरे ला बहुत प्यार करता हूँ। जन संग संग जी हमारे के कसम खाया हुआ, नहीं बताना सरोज, वो प्रीत के छैया तोर पर कहाँ से लाना हो, कैसे लाना तोर पर माया के आसरा, मैं क्या कर रहा हूँ सरोज, नहीं बता ना। तो मैं प्रीति के माया ला भुला सका, नहीं मैं तोला शादी से इनकार कर सका। जी प्यार के बल मा जीत के गुमान रही से, वही प्यार के बल आज मुला हार होती। सरोज, 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 अरे नहीं नहीं गिरधारी लाल जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मतलब मुझे क्या एतराज हो सकता है भाई, आपने तो प्रीति को देखा ही है, और मैं चाहता हूं लड़का लड़की भी एक दूसरे को देख लें, ठीक है? तो फिर ऐसा करता हूं, कल नहीं परसों की फ्लाइट से मैं दिल्ली आ जाता हूं। ओके ठीक है, हाँ रखता हूं। प्रीति बेटे, दिल्ली वाले गिरधारी अंकल को जानते हो? गिरधारी अंकल याद नहीं आ रहे पापा। खैर छोड़ो प्रीति बेटे, मैंने उनके लड़के के लिए तुम्हारी शादी की बात चलाई है। लड़का दिखने में हैंडसम है, सुंदर है, खानदानी है, और हैसियत भी कोई हमसे कम नहीं है। मैं चाहता हूँ बेटा कि तुम उसको एक बार देख लो, वैसे तुमको कोई एतराज तो नहीं है ना? जी हाँ पापा। क्या? जी जी नहीं पापा। तो ठीक है प्रीति बेटे, परसों शाम को हम दिल्ली चल रहे हैं, तुम अपनी पैकिंग कर लो। जी पापा। बोल रही हूँ, चलो कल सुबह मुझे कहीं जाना है। मिकी, क्या कल तुम मुझे पिकअप कर सकती हो? ओफो, सुनो इतने सवाल मत पूछो, मैं जो बोल रही हूँ ठीक ठीक सुनो। कल सुबह 10 बजे मेरे घर के पास वाले पेट्रोल पंप के पीछे एक आइसक्रीम पार्लर है, वहाँ पे अपनी गाड़ी लेके पहुँच जाना। हाँ, मधु और रमन को भी अपने साथ ले आना। हाँ हाँ, वो सब मैं कल तुम्हें बता दूंगी, समझ गई ना? रखती हूँ। भाची, ए भाची,
अरे मम्मा ते कैसे आए हवस? एक जन नोनी हर सरोज के घर कौन मेरा आए ऐसे कही के पूछत रही से। मैं ओला कहे हो की चल भाई मी ही तोला पहुँचा देता हूँ, ऐसे कही के ओला संग में लेके आए हवा। कौन नोनी आए मामा? कौन आए तेला तो मैं नहीं जाना भाची। कहाँ है? कहाँ है? अरे ये तो है। अरे प्रीति ते चल चला। बैठ। अच्छा प्रीति ते यहाँ अचानक कैसे आ गए? हाँ सरोज अचानक ही आना हुई। अकेला है उसके और कोनो है साथ में? मधु मिकी रमन सब साथ आए रही। वो मन कहाँ है? वापस भेज दे। वापस भेज दे? सरोज मैं राकेश से मिले भर आए हूँ। सरोज नहीं तो मोर हमजोली आस तू से का छिपाना। असल में मैं और राकेश एक दूसरे ला बहुत प्यार करते हैं और उही प्यार के खातिर आज मैं अपन बाप के घर ला छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए राकेश के पास आ गए हूँ। सरोज राकेश से मिले माँ ते मोर मदद कर भी ना सरोज कर भी ना सरोज। तू चल सरोज मोला तुरते मोर राकेश के पास ले चल। थोड़ी रुक जा प्रीति चल पहले मुँह हाथ धो के खाना खा ले। नहीं सरोज मोला पहले राकेश से मिलना है। अच्छा ते बैठ मैं फिरंगीला बोल के आवा था वो जाके राकेश ला बुला के ले आए। क्या बात है सरोज ये राकेश आ फिर कहीं उदबिरिस तो नहीं कर दिस? राकेश नहीं फिरंगी मोर किस्मत है हम मोर संग उदबिरिस कर दिस। मैं सोचत रहा हूँ ये दुनिया में मोर से ज्यादा भगवानी कोनो नहीं होही। मोर माया के कोनो पार पवैया नहीं होही ना कोनो मोर पीड़ित के थाहा लगैया। मैं कह जाना हूँ कि मोर माया के बंधना में बस एक ठन गाठ हवे फिरंगी आज गाठ हर छूट के हवे और मोर माया हर छरिया गए भैया। सरोज ये का कहत हस? तेन बोला अपन भाई मान थस ना तो साफ साफ बता का बात है। फिरंगी भैया वो प्रीति। प्रीति कौन? वो रायपुर वाली? हाँ वो अपन घर बार ला छोड़ के राकेश संग रहे बर यहाँ आगे हवे। का? हाँ फिरंगी भैया प्रीति अभी मोर घर में हवे ते जल्दी राकेश ला बला दे प्रीति ओखर बिना नहीं रह सके। ये सब का होत है? जल्दी कर भैया। ठीक है सरोज ते घर जा मैं राकेश ला धर के लाना था। अरे फिरंगी रातिक रात के कैसे? बाबा की तबीयत खराब है। बाबा की तबीयत? नहीं नहीं डोकरी दाई की तबीयत खराब है फटफटी लेके आए हो डॉक्टर लाने पर गरिया बन जाऊं। चाबी तो राकेश करा हुई ना? हाँ राकेश हाँ काय तुला भी मोर संग चलना पड़ी जाए पर ही कहा सरोज के घर। सरोज के घर काबर? हाँ राकेश अभी प्रीति सरोज के घर में है यहाँ आहो कही के बड़ जिद करत रहीस ले दे के मनाए हन। ये तो बहुत गड़बड़ हो गई यार कैसे कर चल मोर संग प्रीति संग बात कर ले। माँ माँ बा बेटा वा ये ते बहुत अच्छा करे रे हमार लाड प्यार के बने की मत चुकाए हवस। अरे ते तो काकरो रदर फदर में नहीं राहत रहे राकेश ते ऐसे कबड़े हो गए अपन बाप के नाम लाते अच्छा उजागर करे रे। देख नोनी अभी घलो कहीं नहीं बिगड़े मोर बात ला मान जा और चल मोर संग मैं तो ना कर एक घाव घर ले निकल गया हवा अब तुम्हारा काम हो लेके जाओ ऐसा घिघराई झन कर नोनी। अरे चल मैं हाथ तोर बाप से बात करूं तुम्हारी गलती के मैं हाथ पांव जोड़ के माफी मांग ले हूं। चल देख तै मोर बेटी बरोबर हस मैं तुलो को गलत रास्ता नहीं बताऊं वही लगा था जोन मा सबो के हित है। मोर हित तो यहाँ आवे बाबूजी फिर भी आपला लगते
कि मैं यहाँ आके गलती कर पा रहे हूँ। तो ठीक है, मैं अपन गलती की माफी मांगता हूँ बाबूजी। ये क्या करते हैं? मैं जाता हूँ बाबूजी। रुक बेटी, रुक जा। तैं अकेली कहाँ जावे? रुक जा। प्रीति। पापा। ओ, तो आप ही हैं जीवन दाऊ। हाँ भाई, यही दाऊ। मुझे उमराव सिंह कहते हैं। अच्छा अच्छा, बहुत नाम सुने रहे हो। आओ आज देख भी ले हो। सुना तो मैं भी बहुत कुछ था जीवन दाऊ, पर देख कुछ आज और ही रहा हूँ। मैंने तो सुना था कि तुम काफी न्यायप्रिय, समाज सेवी और क्या क्या हो, पर यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं दिख रहा। ये अचानक तुम्हें पैसे कमाने की क्या सूझी, जो अपने बेटे को हथियार बनाकर मेरी मासूम सी बेटी के पीछे लगा दिया? उमराव सिंह, हम छत्तीसगढ़ी आदमी तुम्हार का ढोंग धतूरा नहीं जानन। अरे हमार खाए के और दिखाए के एक के ठन दांत होते, समझे? वही देख रहा हूँ जीवन दाऊ, वही देख रहा हूँ। तू क्या समझता था, तू मेरी बेटी को बहला फुसला कर उसे अपनी बहू बनाकर मुझे ब्लैकमेल करेगा और फिर मेरी जायदाद से मुझे बेदखल करेगा? नहीं चिमन दाऊ, ये तुम्हारी बेवकूफी है। तुम्हें मेरी ताकत का शायद अंदाजा नहीं। मैं जमीन के बाहर जितना दिख रहा हूं उससे कहीं ज्यादा जमीन के भीतर हूं, और मेरी जड़ें कोसों दूर तक फैली हुई हैं। मुझे हिलाने की गुस्ताखी मत करना। अव्वल तो मैं हिलूंगा नहीं, और अगर मैं हिल गया तो समझ लो पूरा छत्तीसगढ़ हिल जाएगा। उमराव सिंह, छत्तीसगढ़ ला हिलाने वाला कोनो माई के लाल पैदा नहीं हुए, बल्कि छत्तीसगढ़ अगर चाहे तो सारी दुनिया ला हिला के रखती ही, समझे? अरे ते का समझता है, ये गुंडागर्दी, ये भ्रष्टाचार और सड़े गले राजनीति के जाल में हमला फांस के ते अपन गुलाम बना लेवे, हमारे ऊपर राज कर बेते हैं? नहीं नहीं उमराव सिंह, नहीं। दूध के जरेआन महिला घलो फूक फूक के पीथन, एक घाव धोखा खाए हैं, दोबारा इतना गलती नहीं करा। तय हमार सिधवा पल्ला कायरता समझे के गलती जानकर उमराव सिंह। किसी शरीफ लड़की को सिर्फ पैसों के लिए बहला फुसला कर उसे उसके घर से भगा ले आना कायरता नहीं तो क्या तुम्हारी महानता है? और सीधेपन की तुम क्या बात करते हो, और वैसे भी तुमने मेरे रास्ते में काफी रोड़े अटकाए हैं, उन सबका हिसाब है मेरे पास। लेकिन मैं इस वक्त अपनी बेटी को लेने यहाँ आया हूँ, उन सब का हिसाब मैं बाद में लूंगा। चलो प्रीति। नहीं पापा, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। नादान मत बनो प्रीति, मैं कहता हूँ चलो मेरे साथ। बाबूजी, मैं वहां नहीं जाऊँ बाबूजी। बोला अपन संग में रख ले बाबूजी, राकेश बिना मैं नहीं ले सकूं, मैं मर जाऊं बाबूजी, मैं मर जाऊं। बोला बचा लो बाबूजी, बाबूजी। वाह दाओ वाह, तुमने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी। एक ही रात ने मेरी मासूम सी बेटी पर जादू टोना भी कर डाला। अरे इतना भी मत गिरो दाऊ कि लोगों को छत्तीसगढ़ियों की सूरत से नफरत हो जाए। उमराव सिंह, एक हर ले आगू अगर ते एक शब्द भी मुंह से निकाले ना तो ठीक नहीं हो ही। प्रीति के पापा एक तो लिहाज कर, नहीं तो छत्तीसगढ़िया आदमी के दिमाग ला फिरे में ना टाइम नहीं लगा। और हाँ एक बात और सुन ले, ना तो हमला तोर धन दौलत के लालच है और ना मैं तोर बेटी ला भगा के लाने आऊ, समझ में आई? उमराव सिंह, मोला अगर वैसने करना रीतिस ना तो मोर में आपका दम है कि मैं तोर बेटी ला तोर नजर के सामने से उठा के लाते हूँ और तय ओला देखते रहते, समझे? चुप कर, चुप कर। उमराव सिंह, अपन बेटी ला घर और जाए यहाँ ले, जाओ। बेटी को तो मैं ले ही जाऊंगा जीवन दाऊ, क्योंकि पहले मुझे तुम्हारी नियत पर सिर्फ शक था, पर अब तो पूरा यकीन हो गया है कि पैसों के लिए तुम लोग कुछ भी कर सकते हो। क्या पता उन्हीं पैसों के लिए तुम मेरी बेटी को बाजार में बिठा दो। उमराव सिंह, बस कर उमराव सिंह, बस कर। कहीं ऐसे छन हो जाए कि आज के दिन हर 1947 के सुराज का भैया मरे गाँव सुराज के दिन हो जाए, तो गुंडागर्दी के खात्मा के दिन हो जाए। जा, चले जाइए यहाँ ले, चले जाओ।
इतनी अकड़। शारदा बाबू बुलाइए पुलिस को। रुकिए पापा, पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे नहीं पता था कि मेरे ऐसा करने से इतना बड़ा हंगामा खड़ा हो जाएगा। सारे विवाद की जड़ मैं हूं ना। चलिए, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। चलिए जीवन दाओ, आज जो जख्म तुमने मुझे दिए हैं, कोशिश करूंगा कि वो हरे रहें, मुझे टीसते रहें और तड़पाते रहें और इसी दिन की याद दिलाते रहें। चलता हूं, जल्दी तुमसे मुलाकात होगी। बेटी, आ जा।
भगवान, बाबूजी ओला बचा लियो, बाबूजी क्या हो गया? ओला रोक ले, नहीं तो गजब हो जाही बाबूजी। कौन ला बचा ले? राकेश अमराज सिंह से बदला लेकर जाते बाबूजी। अपन संगवारी मर संग। राकेश स्टेशन Oh.
हम राव सिंह, यू आर अंडर अरेस्ट। देख राकेस, आखिर में तुला पा ही गयो ना, जीते जी ना सही, मरे के तेरा ही सही। प्रीति, ये जन्म मारा केस तोर आए, बस एक जन्म पर राकेश ला मोरा बार छो 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 करो माया दे दे माया ले ले माया रो जाए के बेरा कारे माया दे दे राधे कहाँ है? तीन बछर ले जेन बोकरा ल कोसे रहे हो, दो दिन पहले चराहों की ले गए रहीस, अब अभी ले नहीं लाए हुए, ना वो दिखत है ना वो बोकरा। राधे, ए राधे, नहीं आना चाहिए तो समझ गए हो? अब तो बिहाव करवाए चला। लेकिन आप तो एक अंगूठा छाप। मैंने एम कॉम पढ़ाई की। बिगड़े भाग हर तुर सावर जाही दी। कल जो कहे कह दवाई भाई। बस तू पैग दारू ते मार ले न जी। बैंक लूटे ये डकैत मल्ला पकड़वाई से और सरकार वाला खुश होके 5 करोड़ 10 लाख रुपया इनाम दी।
तो इस आदमी को अपने प्यार के जाल में ऐसा फंसाओ कि ये तुमसे शादी कर ले। A for A, A हो। B for बोल ना। C for चल बे काम उरे अंगना। D for बेटी गाड़ी दी हिचकन ना गा। हाँ। दरवाजे नाक पे काकर फोन दी रानी के। राधे। आज ले घर ले तो दाना पानी उठ के चलिए घर ले निकल जा। लोगों को जरा से भी तमीज नहीं है कि घर में गंदगी नहीं रखनी चाहिए। अरे गाय के गोबर के महत्व ये मन का जानी थी। ये मन कुकुर ले बैठा के कार में घुमाती। वाह यहाँ का है बे का देख लेसेप्टिक है बाबू। लेसेप्टिक नहीं बे लेपेस्टिक का। हाँ हाँ उही उही जा भाग बे। कैसे को दो आदमी है दादा चल हमन पास पास बैठबो नवा एक सेल्फी लेबो। चल हमन सुर नवा लगाबो मिलजुल के कर मांगाबो। अब ये काल आ गए बाबू। अब पानी पी लो जी। आपकी इच्छा बंद हो जाए ले लो।